कपड़ों की धुलाई के लिए हम सबकी मम्मी दादी नानी सदियों से लकड़ी के ब्रश का इस्तेमाल करती आई है, मगर क्या आप जानते हैं लकड़ी के ब्रश तैयार कैसे करे जाते हैं? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं लकड़ी के ब्रश फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं, तो वीडियो अंत तक देखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लकड़ी का ब्रश बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के गांव से पेड़ों से काट की लकड़ी को मंगाया जाता है, और ये जो लकड़ी के आप फट्टे देख रहे हैं ना, ये वहीं से कटे कटाए आते हैं। अब एक एक करके इन फट्टों को लिया जाएगा और छोटी आरी वाली मशीन के अंदर इन्हें डाल के 2x1 का आकार में इन्हें काट के तैयार कर लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो आप लकड़ी मेरे सामने देख रहे हैं ना, इसे कटा कटाया इसलिए लाया जाता है क्योंकि बड़ी आरी मशीन यहाँ पे लगाना मनाही होती है, इसीलिए छोटी आरी की मशीन से इन्हें एक एक करके इन फट्टों को लिया जाता है और छोटा छोटा काट के तैयार कर लिया जाता है। जितना बड़ा ब्रश बनाना होता है उतना बड़ा टुकड़ा काट के तैयार कर लिया जाता है। यहाँ पे 2x1 के टुकड़ों को काट के तैयार करा जा रहा है। अब बारी आ जाते हैं एक एक करके लकड़ी के टुकड़ों में छेद करने की, जिसमें प्लास्टिक के धागों को लगा के ब्रश को तैयार करा जाता है। मैं आपको बता दूं, इस मशीन में एक बारी में 2 फट्टों में छेद होकर ब्रश को तैयार करा जाता है। इस मशीन में 4 टुकड़े लकड़ी के डाले जाते हैं, जिसमें से मशीन एक बारी में 2 टुकड़ों में छेद करके तैयार करती है। आप इसे कह सकते हैं कि एक तरीके से लकड़ी को अच्छे से ग्रौंदा जा रहा है, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद करे जा रहे हैं। बारी आ जाते हैं लकड़ी के फट्टों को आकार देने की, तो यहाँ पे भैया बड़े सावधानी से आरी मशीन के द्वारा ही लकड़ी को बिल्कुल सुंदर सा आकार देके ब्रश का तैयार कर लेते हैं। सारे के सारे टुकड़ों को इसी प्रकार से आकार देके तैयार करा जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है इसमें जितनी भी छोटे छोटे लकड़ी के फ्रांस चुभने वाले हिस्से होते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से सपाट करने की, ताकि आप जब भी हाथ में ब्रश लें आपके हाथ में बिल्कुल ना लग सके। अब बारी आ जाती है इसमें प्लास्टिक के धागों को लगा के ब्रश को तैयार करने की, इसके लिए भी यहाँ पे मशीन लगी हुई होती है। इस मशीन द्वारा एक एक करके सारे के सारे छेदों में ये प्लास्टिक के छोटे छोटे धागों को लगा के ब्रश को तैयार करा जाता है। भाई आजकल के फैशन वाले दौर में ब्रश भी एक रंग का नहीं बल्कि 3 रंग के 2 रंग के मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लास्टिक के धागों को बदल बदल के एक एक करके ब्रश में भिन्न भिन्न रंगों को डाल के तैयार करा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रे रंग के धागे डाले गए थे प्लास्टिक के, उसके बाद बारी आ गई है नीले धागों की, तो अब इन नीले धागों को भी अच्छे से छेदों में फंसा के मशीन द्वारा तैयार करा जाएगा। अब 2 रंग तो आ गए भाई, बारी आ जाते तीसरे रंग की, तो यहाँ पे तीसरे रंग को भी इसी प्रकार से छेद में फंसा के ब्रश को तैयार करा जा रहा है। वैसे तो आजकल प्लास्टिक वाले ब्रश भी बहुत चल रहे हैं, मगर बात करी जाए लकड़ी वाले ब्रश की, तो भाई इसकी खासियत यही है कि ये सदियों तक चलते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यही ब्रश बार बार चलते रहते हैं। अब भाई ब्रश तो बन के तैयार हो गया, मगर दोबारा से इसके अच्छे से घिसाई करी जाएगी और उसके बाद इसके आगे वाले धागों की भी घिसाई करी जाएगी, क्योंकि जो प्लास्टिक वाले ब्रश होते हैं ना, वो हमारे वातावरण के लिए तो हानिकारक होते ही हैं, मगर उनमें उतनी सफाई नहीं होती कपड़ों की जितनी इनसे हो जाती है। तो मेरी माने तो आप भी इस ब्रश का इस्तेमाल जरूर से करिएगा। अब चलते हैं यहाँ के ओनर से करते हैं थोड़ी वार्तालाप, चलिए दोस्तों मेरे साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो सर हमने आज देखा यहाँ पे ब्रश मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है, तो अपने बिजनेस के बारे में अपने बारे में कोई बताना चाहेंगे? देखो जी, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, हम सेकंड जनरेशन है जो अब इस फील्ड में है। ओके, और रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? देखो जी, अगर आपने अगर सिर्फ हमारा कपड़ा ब्रश ही देखा है तो उसमें कपड़े ब्रश में हमारे पास रेंज स्टार्ट है 5 रुपए पीस से। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रहती है? तो मिनिमम क्वांटिटी बंडल होना चाहिए। तो सर अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना हो, आपकी कंपनी के साथ जुड़ना हो, ऑर्डर करना हो, तो कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सर। सर हमारे 2 कॉन्टेक्ट है, 9971190100, और सेकेंड नंबर है मेरे ब्रदर का, उनका 9718555509। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ब्रश देख के कैसा लगा वीडियो, पसंद आई तो अपने दोस्तों शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।